गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया दूसरे T20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया और भारत ने सीरीज भी जीत ली। वेस्टइंडीज के कप्तान किरण पोलार्ड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही। भारत ने पहला विकेट 10 रन पर ही गंवा दिए। ईशान किशन 2 रन ही बना पाए। रोहित शर्मा ने कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। रोहित ने सेफर्ट को छक्का जड़कर पावर प्ले में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 49 रन पहुंचाया। भारतीय कप्तान शुरू में मिले जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और स्पिनर चेज के पहले शिकार बने। ब्रेंडन किंग ने इस बार कैच लेने में गलती नहीं की। सूर्य कुमार यादव को चेज ने अपनी ही गेंद पर कैच लेकर पवेलियन भेजा। कोहली शुरू से ही दृढ़ इरादों के साथ क्रीज पर उतरे थे। उन्होंने अपनी टाइमिंग का शानदार नमूना पेश करके हुसैन पर 2 चौकों की शुरुआत की। इसके बाद होल्डर पर कवर में खूबसूरत चौका जड़ा। रोमेरियो सेफर्ट का स्वागत भी उन्होंने 2 चौकों से किया। उन्होंने लॉन्ग ऑन ऑफ पर छक्का लगाकर T20 में अपना 30वां अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने रोहित के सर्वाधिक 50+ रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी की। पंत ने कोहली के साथ 4थे विकेट के लिए 34 रन जोड़े। साझेदारी को चेस ने कोहली को बोल्ड कर तोड़ा। ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ नबाद 52 रन बनाए और वेंकटेश अय्यर ने भी नबाद 33 रनों की अतिशय पारी खेली, जिसके बदौलत भारत 186 रन बना पाया। जवाब में वेस्टइंडीज की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उसने 59 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद निकोलस पूरन 62 और पावेल के 68 रन की अतिशय बल्लेबाजी कर एक बार फिर यह तो बता दिया कि T20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज को कभी हल्का में नहीं लिया जा सकता है। विंडीज टीम एक समय लक्ष्य तक पहुंचती नजर आ रही थी। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह रवि बिश्नोई के हाथों पूरन और भुवनेश्वर कुमार के हाथों पावेल का कैच छूटना भी था। मैच के निर्णायक क्षणों में अनुभव कितना मायने रखता है या भुवनेश्वर की गेंदबाजी से फिर साबित हो गया। अंतिम 2 ओवर में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 29 रनों की जरूरत थी। पूर्वी ने उस ओवर में महज 4 रन देकर आखिरी ओवर डालने आए हर्षल पटेल की मुश्किल काफी आसान कर दी। आखिरी ओवर में 2 छक्के जड़कर पावेल ने उम्मीद जिंदा रखी थी, लेकिन हर्षल पटेल ने अंततः उस पर पानी फेर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच ऋषभ पंत को चुना गया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।